प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा आठवीं की एक कविता कबीर की साखियां पढ़ेंगे। और कबीर की साखियां पढ़ने से पहले हम संत कबीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो संत कबीर थे इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनके जो गुरु थे इनका नाम रामानंद स्वामी जी था। और ऐसा माना जाता है कि जो कबीरदास जी थे इनका जो जन्म है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और जो कि नवजात शिशु को जो लहर तारा नामक जो तालाब था वहां पर छोड़ दिया था और वहां पर नीरू और नीमा नामक एक जो जुलाहा दंपत्ति थे उन्होंने इस बालक को बाद में अपने गुरु रामानंद जी द्वारा दी गई शिक्षाओं के माध्यम से ये एक प्रमुख संत बने जिन्होंने हिंदू धर्म की बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया और कबीरदास जी की जो शिक्षाएं हैं उनको मानने वाले एक अलग पंथ कबीर पंथ को मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कबीर की साखियों की व्याख्या। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु, साधु यानी ज्ञानी व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को नॉलेज है, ज्ञान है और जो भगवान को प्रिय है, भगवान का भक्त है, ऐसे आदमी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसकी कास्ट नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, तो हमें सिर्फ उसके ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, यानी उसको जो ज्ञान प्राप्त है हमें उसको महत्व देना चाहिए, न कि उसकी जन्म की जाति को, क्योंकि जन्म से कोई भी जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ज्ञान कितना है, उसका विचार कैसे हैं, उसी से उस व्यक्ति की पहचान बनती है। आगे कबीरदास जी समझाने के लिए कहते हैं कि मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान वो एक खोल होता है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम कोई भी चीज देखते हैं, जो अगर तलवार का यहाँ पर तात्पर्य तलवार से है कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं तलवार की, न कि म्यान की, क्योंकि म्यान एक साधारण एक खोल होता है जिसके अंदर तलवार को रखा जा सकता है। इसलिए इन दोनों में से जो महत्वपूर्ण वो तलवार है। इस उदाहरण के माध्यम से ये दिखाया गया है कि हम किस जाति में पैदा हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमें कितना ज्ञान प्राप्त है। और समाज को भी वो यही शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति की जो गुणवत्ता है उसके ज्ञान से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति से। आगे एक कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो यहाँ पर जैसे समाज में आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं और गाली गलौज करते हैं लोग, तो कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, गारी यानी गाली। अगर जो गाली हमारे पास यानी कोई हमें देता है, सबसे पहले जो शुरुआत करता है वो एक गाली से होती है, उल्टत होई अनेक, और जब दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो अनेक गालियां देता है, यानी उसका कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुणा गालियां दूसरे व्यक्ति को मिलती है और ये बात बढ़ जाती है। आगे कबीरदास जी कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। और कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है वो उलट कर गाली नहीं देना चाहिए, अगर हम उस गाली को उलट कर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वह एक की एक ही रह जाएगी, यानी जो झगड़ा है वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, यानी गाली जो देता है वो एक देता है, लेकिन जब उलट कर व्यक्ति जवाब देता है तो वो अनेक गालियां बन जाती हैं। इसलिए हम अगर उसको उलट कर कुछ जवाब नहीं देंगे, उसको सहन कर लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे,
तो वो गाली वहीं की वहीं रह जाएगी और वो झगड़ा नहीं बढ़ेगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमरिन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे, कर यानी हाथ, कि जो हम भक्ति करते हैं और जो माला हम अपने हाथों में फेरते हैं, जीभ फिरे मुख माही, और हमारी जो जीभ है जो जिससे हम स्मरण करते हैं वो हमारे मुंह के अंदर फिरती रहती है। यानी माला हाथों में फिरती रहती है और मुख में हमारे जीभ फिरती रहती है। यानी जब भी हम कोई स्मरण करते हैं, राम राम का नाम लेते हैं, वाहे गुरु करते हैं, अल्लाह खुदा करते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो सिर्फ मुंह में घूमती रहती है और हाथों में हमारे माला फिरती रहती है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मनवा तो दहु दिशि फिरे, मनवा यानी मन, दहु यानी दसों, दिशि यानी दिशाओं में, फिरे यानी फिरता रहता है, हमारा मन दसों दिशाओं में फिरता रहता है, यह तो सुमरिन नाही। और कबीरदास जी कहते हैं यह तो किसी प्रकार की भक्ति नहीं है, सुमरिन नहीं है, क्योंकि इसमें मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए हमें जब हम भक्ति करने लगे हैं तो हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, और ये जो चीजें हैं माला फेरना और इस प्रकार का कोई जाप करना, जब तक मन आपका एकाग्र नहीं है तो ये जो आडंबर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास न निंदिए जो पाऊ तली होए, यानी ऐसी घास, यानी घास का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उस घास की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदिए यानी निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। जो पाऊ तले होए, जो हमारे पैरों के नीचे होती है, पाऊ यानी पैरों के, तली यानी तल में, नीचे होई होती है, यानी जो हमारे पैरों के नीचे जो हम घास को कुचल देते हैं उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़े पड़े जब आंख में, लेकिन वही घास जब उड़कर हवा जब चलती है उसका कोई तिनका जब हमारी आंख में पड़ जाता है, खरी दुहेली होए, तो वो भी हमें कष्ट, बहुत ज्यादा कष्ट देती है। तो यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कि घास के माध्यम से, घास के एक बिंब के माध्यम से, कि हमें चाहे व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कितना भी छोटा ना हो, चाहे वो उम्र की दृष्टि से छोटा हो, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उस प्रकार की अपना स्वाभिमान पर आ जाता है तो वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। यहाँ एक घास का उदाहरण दिया, भाई वो घास तो हम पैरों के नीचे रहती है लेकिन जब वो आंख में पड़ जाए तो वो हमारे लिए कष्टकारी हो सकती है। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, यानी जग इस संसार के अंदर बैरी यानी शत्रु कोई नहीं है, इस शत्रु यहाँ इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। लेकिन आगे एक शर्त है, वो शर्त है जो मन शीतल होए, अगर हमारा कोई मन जो है वो शीतल रहेगा, यानी हम किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं रखेंगे, दिमाग को ठंडा रखेंगे, किसी के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं बन सकता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, और एक चीज और हो सकती है, आपा को डारी दे, आपा यानी अहम का भाव, यानी हमारे अंदर जो अहम का भाव है उसको हमको डाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, दया करे सब कोई, और सभी को दया करनी चाहिए, सबके ऊपर दया करनी चाहिए, और हमें अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, और इस प्रकार से हमारा जो मन है शीतल हो जाएगा और इस संसार में हमारा कोई भी बैरी, कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो आज हमने ये
कबीरदास जी की साखियां पढ़ी, जो कि एक समाज को एक नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।